जय हो। जी महाराज की नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हो राज न्यूज। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप बूटाटी धाम नागौर आना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल सही आपने यह वीडियो क्लिक किया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि बूटाटी धाम के अध्यक्ष और जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने क्या कहा इस धाम के बारे में। आखिर बूटाटी धाम में कैसे लकवाग्रस्त रोगी ठीक होता है, उनकी ज़ुबान से आप सुनिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यह धाम कहाँ है। राजस्थान में नागौर से करीब 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर कुचेरा कस्बे के पास स्थित बूटाटी धाम लकवारों को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब आपको नमस्कार। मैं अध्यक्ष बूटाटी धाम शिव आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये मंदिर आज से 700 साल पुराना है और ये पैरालाइज जितने भी आदमी आते हैं वो सब पैरालाइज पेशेंट आते हैं। तो अभी क्या है कि कोरोना काल चल रहा है तो अभी 90% आदमी कम है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको ये बता रखा है कि भाई कम से कम आदमी आए, आउट ऑफ स्टेट तो आना ही नहीं। और जो अपने स्टेट के यहाँ के हैं वो भी पूरा लगा हुआ होना चाहिए इनो वैक्सीनेशन और उसके बाद में निगेटिव रिपोर्ट जो है वो साथ में लेके आए। और अध्यक्ष साहब आप बताना चाहेंगे यहाँ बूटाटी धाम आने के लिए रास्ते का क्या है वो थोड़ा बताना चाहेंगे। देखो ट्रेन का रास्ता यदि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो मेड़ता रोड बड़ा स्टेशन है, वहाँ आप उतर सकते हैं। बाकी रेल के अंदर भी अभी अच्छा प्रोग्राम हो गया है तो वहाँ अच्छा साधन है बाई रेल जो आता है। बाकी रहा सवाल यहाँ से जयपुर अजमेर जोधपुर बसें डायरेक्ट यहाँ से जाती है, धाम के बाहर से ही जाती है, वहाँ से आप बस बाई बस जा सकते हैं। तो अध्यक्ष साहब आप बताना चाहेंगे कि यहाँ तो जाती आते हैं क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ। हाँ मंदिर तरफ की ट्रस्ट की तरफ से रहना खाना पीना टॉयलेट वगैरह के 200 लेटरिन बाथरूम का सुलभ कॉम्प्लेक्स है। कोई भी चीज यहाँ पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 दिन रहने का यहाँ पर विचार किया जाता है, एक आने वाला दिन और जाने वाला दिन वो काउंट ही होता है। और अध्यक्ष साहब आप बताना चाहेंगे कि मंदिर प्रांगण में जैसे मतलब लोग रहते हैं तो कैसा उनको फील होता है मंदिर प्रांगण में जो लोग रहते हैं उनको आप मेरे से ज्यादा आप उनसे पूछो तो बेटर लगेगा। वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो आने के बाद में ऐसा फील करते हैं कि 7 दिन के बाद में और हम नहीं जाए, 5 दिन हम और रह जाए, बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि हमें यहाँ और 2-4 दिन रहने को मिल जाए। हाँ घर जैसा फीलिंग होता है। और यहाँ तो ये बाबा का समझ लो कि इस हिसाब से काम चलता है कि हम तो क्या स्टाफ के 7-8 आदमी सिक्योरिटी वगैरह वाले दिन और रात में 20 आदमी लगे हुए, पर इसमें तो ये तो अभी तो चलो 1,500 आदमी है, बाकी टाइम तो 3-4 हजार आदमी रहते हैं। तो ये बाबा ही कंट्रोल करता है, यहाँ इतना फर्स्ट क्लास नेचर से लोग रहते हैं, कोई किसी टाइप का कोई झगड़ा नहीं कोई बात नहीं, शांति पर रहते हैं, शांति को तो अपना टाइम पास करते हैं। तो दोस्तों अध्यक्ष साहब ने जो बातें बताई वो बिल्कुल सत्य है। हमने यहाँ पे एक दिन रुक के इस चीज का अनुसरण भी किया है, हमने देखा भी है, तो हम और लोगों से भी बात करवाना चाहेंगे। कोई दवाई नहीं सिर्फ और तेल भी और और जो ये भीड़ देख रहे हैं हम ये सबसे ज्यादा भीड़ कब देखते हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह शेखावत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और सर आप बताना चाहेंगे कि इस बूटाटी धाम में लोग आते हैं तो उनके बेनिफिट होता है, उसका मेन रीजन क्या है। देखिए सर ये आस्था का केंद्र है, यहाँ दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। श्री चतुर्दास जी महाराज की पवन धरा है, समाधि है, जीवित समाधि है। और लकवे का जो भी रोगी आता है उसका तो 100% ट्रीटमेंट इलाज है उसका। बाकी जो दूसरे रोगों के जोड़ों का दर्द है
और भी ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर है उसका भी इलाज है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिसिन भी लेना जरूरी है। और आप बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे पेशेंट आता है तो उसे कोई फोर्स तो नहीं है कि वो दवाई नहीं, किसी प्रकार का कोई दवाई नहीं है, न दबाव नहीं है, और न हम किसी को इनवाइट करते हैं आप आइए। लोग अपने ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आप जैसे आप यूट्यूब पे जो भी चैनल है उस पे डालोगे उसको देख के हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम उनको सही राह देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमने यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु से बात करनी चाहिए, उन्होंने भी कहा कि हमें, और आप बताना चाहेंगे कि पेशेंट आने के एक दिन बाद में उससे पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो कैसे हो जाता है? देखिए सर, सबसे बड़ी आस्था, आज मैं आया मेरे तकलीफ है 10% मेरे असर होते हैं तुरंत, मेरे जब पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आज हाँ मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ, तो वो माइंडली है ना अपने स्ट्रॉन्ग बनाती है, धीरे धीरे होते 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 वो बंदा 100% एकदम रिजल्ट मिल जाता है। मतलब ऐसे आपका कहने का मतलब कि पॉजिटिव सोच बिल्कुल हर एक रोग को समाप्त कर सकती है। या तो दोस्तों, अगर मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपके कोई भी कोई ऐसा पेशेंट है तो आप उसे डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ का ट्रस्ट ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर्स को ना दिखाएं, बिल्कुल आप दवाई भी ले सकते हैं और एक बार यहाँ जरूर आए। बिल्कुल, आप जब भी आपके ऐसी कोई तकलीफ हो आस पड़ोस में जो भी हो उनको ये सुजेशन जरूर दें कि भुट्टा डाम में आप एक बार जरूर जाके आए, क्योंकि यहाँ तो देखो लूट कसोट का काम ही नहीं है। हाँ, सब फ्री ऑफ चार्ज की सुविधा है। एक बात भी पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जाते आता है उसे कोई पाबंदी तो नहीं कि इतने कुछ पैसे वैसे ऐसे कुछ नहीं है ना? पैसे का तो यहाँ एक काम ही नहीं है, आप दो तो आपकी इच्छा, नो दो नहीं दो तो भी आपकी इच्छा। मतलब देने के लिए क्या शेड्यूल है यहाँ पे? वो देने के लिए पावती मिलती है मंदिर की, रिसीप्ट देते हैं, जैसे आपने 1 रुपये भी डोनेट किया, गुप्त दान किया, पार्टियों में किया, उसका कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपको स्लिप कटवानी है तो मंदिर समिति की एक बुक बना रखी है, वो आपको बुक देंगे। दोस्तों एक बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी कोई यात्री आता है उससे कोई मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि वो यहाँ पे डोनेशन करे, अगर उसकी इच्छा होती है, उनको ऐसे लगता है कि मेरे बेनिफिट हुआ है तो वो यहाँ पे ट्रस्ट से एक रसीद के माध्यम से दान भी कर सकता है, वो गुप्त दान भी कर सकता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपके भी किसी पेशेंट के अगर ये प्रॉब्लम है लकवे से संबंधित तो आप एक बार जरूर आए यहाँ पे, और आपके बेनिफिट होता है तो आप फिर आए, दूसरे को सजेशन जरूर करें। तो दोस्तों आपके आने से पहले जो क्वेश्चन थे उन सभी के शायद आपको आंसर मिल गए होंगे, आपकी जो जिज्ञासा थी वो समाप्त हो गई होगी। दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे न्यू अपडेट्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपके मन में जो सवाल आ रहे थे, आखिर कैसे इस मंदिर में लकवाग्रस्त रोगी का रोग ठीक हो जाता है, कैसे यात्री यहाँ रहते हैं, क्या शेड्यूल रहता है, वो सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको तो यही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों मैं लास्ट में आपको जो मंदिर ट्रस्ट के नंबर हैं वो और वो एड्रेस है मंदिर का, वो मैं लास्ट में दे रहा हूँ, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि यह आपके अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपके बहुत ही जरूरी है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।